again in your EBS class. Students, in this class we have finished chapter number 8. The name of the chapter is water. Students, हमने अपने EBS class में chapter number 8 water ये chapter finish कर लिया है. So today we will do a small recap that what we have learned in this chapter. इसलिए students, आज हम सबसे पहले इस चैप्टर का एक छोटा सा रीकैप लेंगे कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा. ओके, सो स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट वाटर. वाटर यानी कि जल. ठीक है, इस चैप्टर में हमने जल के बारे में पढ़ा दैट वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर. स्टूडेंट्स, लिव का मीन्स होता है जीवित रहना और विदाउट का मीन्स होता है के बिना. ठीक है, तो हम जल के बिना जीवित नहीं रह सकते. ओके, नेक्स्ट, वाटर हैज मेनी यूजेस. यूजेस का मीन्स होता है उपयोग और वाटर इट मीन्स जल. तो जल के कई सारे उपयोग होते हैं लाइक ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, क्लीनिंग द फ्लोर एटसेट्रा. जल का उपयोग हम बहुत सारे कार्यों में करते हैं, जैसे कि पीने के लिए, कपड़ों को वॉश करने के लिए, बाथ यानी कि नहाने के लिए, कुकिंग यानी कि भोजन पकाने के लिए एटसेट्रा. ओके, नेक्स्ट, रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर. अब हमें जल कहाँ से मिलता है? सो रेन यानी कि बारिश. बारिश जो है वो जल का मुख्य स्रोत है. मुख्य रूप से हमें जल बारिश से प्राप्त होता है. क्लियर एवरीवन? स्टूडेंट्स, रेन वाटर यानी कि वर्षा का जल ही रिवर, पॉन्ड और ओशन में जाता है. ठीक है, और स्टूडेंट्स, रेन वाटर ही धीरे धीरे ग्राउंड यानी कि जमीन के अंदर भी रिस रिस तक पहुंच जाता है, जिसे हम ग्राउंड वाटर कहते हैं. ओके, और इस ग्राउंड वाटर का उपयोग हम हैंड पंप, ट्यूब वेल, वेल इनके जरिए करते हैं. ठीक है, हैंड पंप, ट्यूब वेल और वेल से हमें ग्राउंड वाटर यानी कि जमीन के अंदर का पानी प्राप्त होता है. क्लियर? नेक्स्ट क्या है? वी शुड स्टोर वाटर इन क्लीन एंड कवर्ड वेसल्स. स्टूडेंट्स, स्टोर का मीन्स होता है इकट्ठा करना, वाटर यानी कि जल और क्लीन यानी कि साफ सुथरा और कवर्ड इट मीन्स ढका हुआ. तो हमें जल को यानी कि पानी को ढके हुए और साफ सुथरे बर्तनों में ही स्टोर करके रखना चाहिए. ओके, वी शुड स्टोर वाटर इन क्लीन एंड कवर्ड वेसल्स. हमें जल को साफ सुथरे और ढके हुए कंटेनर में ही स्टोर करके रखना चाहिए. ओके, स्टूडेंट्स, नाउ टेल मी दैट हू नीड्स वाटर टू लिव एंड ग्रो. स्टूडेंट्स, हू का मीन्स होता है किसे. नीड्स इट मीन्स जरूरत, वाटर इट मीन्स जल, लिव यानी कि जीवित रहना और ग्रो यानी कि बढ़ना. सो स्टूडेंट्स, किसे जीवित रहने और ग्रो करने के लिए वाटर की आवश्यकता होती है. सो इट्स आंसर इज All the living things, सभी living things like plants, animals, human being need water to live and grow. Students, plants, animals और human being ये सभी क्या हैं? ये सभी living things हैं. ठीक है? Because they can grow, breathe and reproduce. क्योंकि ये grow कर सकते हैं, plant grow करते हैं, है ना? एनिमल्स भी एक ग्रो करके बड़े होते हैं, है ना? नेक्स्ट है ह्यूमन बीइंग. ह्यूमन बीइंग भी ग्रो करते हैं. ठीक है, इसके साथ साथ ये ब्रेथ भी करते हैं. ओके, दैट्स व्हाई दे आर लिविंग थिंग्स. इसलिए ये क्या है? ये लिविंग थिंग्स हैं. ओके, सो ऑल द लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग, सभी लिविंग थिंग्स जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग को जीवित रहने के लिए और ग्रो करने के लिए
वाटर की आवश्यकता होती है। क्लियर स्टूडेंट्स, जिस तरह से हमें एयर और फूड की आवश्यकता होती है जीवित रहने के लिए और ग्रो करने के लिए भी, सेम वैसे ही हमें जीवित रहने और ग्रो करने के लिए वाटर की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, एयर वाटर एंड फूड इज आर बेसिक नीड, ये सभी हमारी बेसिक नीड्स हैं। ओके, विदाउट एयर वाटर एंड फूड वी कैन नॉट सर्वाइव। स्टूडेंट्स, बिना एयर वाटर और फूड के हम सर्वाइव यानी कि जीवित नहीं रह सकते। ओके, नेक्स्ट है हमारा यूजेस ऑफ वाटर। ओके, सो वाटर इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग, वॉशिंग एंड क्लीनिंग द फ्लोर। स्टूडेंट्स, जल का उपयोग हम पीने के लिए, कुकिंग यानी कि खाना पकाने के लिए, बाथिंग नहाने के लिए, वॉशिंग क्लोथ्स या वॉशिंग कंटेनर और वेजल्स, किसी भी बर्तन को वॉश करने के लिए या कपड़ों को वॉश करने के लिए हम वाटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है क्लीनिंग द फ्लोर। क्लीन का मीन्स होता है साफ करना और फ्लोर का मीन्स होता है फर्श, तो फर्श को साफ करने के लिए भी हम वाटर का यूज़ करते हैं। क्लियर एवरीवन, सो दीज आर द यूजेस ऑफ वाटर। ये सभी क्या है, ये सभी यूजेस ऑफ वाटर है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज सोर्सेस ऑफ वाटर यानी कि जल के स्रोत। ठीक है, सो नेम द सोर्सेस ऑफ वाटर। अब आपको जल के स्रोतों के नाम बताने हैं। ओके, सो रेन, रिवर, ओशन, पॉन्ड्स, सीज, वेल, ट्यूब वेल, हैंड पंप्स एटसेट्रा, दीज आर सोर्सेस ऑफ वाटर। ये सभी क्या है, ये सभी सोर्सेस ऑफ वाटर हैं, इन सभी से हमें जल प्राप्त होता है। क्लियर, रेन इट मीन्स बारिश, रिवर इट मीन्स नदियाँ, ओशंस यानी कि महासागर, सीज यानी कि समुद्र, पॉन्ड्स यानी कि तालाब, वेल कुआं, ट्यूब वेल, हैंड पंप एटसेट्रा। ठीक है स्टूडेंट्स, इन सभी से हमें जल प्राप्त होता है, दैट्स वाई वी कॉल इट सोर्सेस ऑफ वाटर, इसलिए हम इसे सोर्सेस ऑफ वाटर कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, इफ आई आस्क दैट व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर, कि मेन सोर्स ऑफ वाटर क्या है, सो द मेन सोर्स ऑफ वाटर इज रेन। मेन सोर्स ऑफ वाटर है रेन यानी कि बारिश। क्लियर एवरीवन स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ इट्स टाइम टू डू द होमवर्क। स्टूडेंट्स, दिस इज योर होमवर्क दैट ड्रॉ एनी टू सोर्सेस ऑफ वाटर इन योर क्लास वर्क कॉपी ऑन ब्लैंक पेज। स्टूडेंट्स, आपकी क्लास वर्क कॉपी में एक साइड ब्लैंक पेज है और एक साइड लाइन है। ठीक है, तो आप अपनी क्लास वर्क कॉपी में उस ब्लैंक पेज का यूज करोगे और उस ब्लैंक पेज पर कोई भी टू सोर्सेस ऑफ वाटर ड्रॉ करोगे। क्लियर, जैसे कि वेल, ट्यूब वेल, हैंड पंप, रिवर, ओशन, एज योर विच, आप जो भी बनाना चाहते हो कोई भी टू सोर्सेस ऑफ वाटर आप अपनी क्लास वर्क कॉपी में ड्रॉ करोगे। दिस इज योर होमवर्क, ये आपका होमवर्क है एंड देयर इज नो एनी क्लास वर्क फॉर टुडे, और आज के लिए आपका कोई भी क्लास वर्क नहीं है। क्लियर, दैट्स ऑल, थैंक यू।